हाँ जी बच्चों, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? डिसोनेंस का मतलब क्या होता है? जब हमारा मूवमेंट हमारी बातों से अलग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एटीट्यूड जो है वो कहता है कि भैया पान मसाला खाना बहुत ही बुरी बात है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मुंह का कैंसर होता है या फिर आपका पेट खराब होता है, या एक्स वाई जेड चीज कह सकते हो। बट मेरा बिहेवियर क्या है कि मैं चुपचाप से खा रहा हूँ। तो आपका एटीट्यूड, आपकी कॉग्निटिव स्किल कुछ और कह रही है। आप उस चीज को लेके अपना जो एटीट्यूड है, जो आपका जो थिंकिंग है, वो अजीब है, मतलब बहुत अलग है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आपका बिहेवियर तो उस चीज को लेकर ही जा रहा है। तो दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। आपकी सोच और आपका बिहेवियर दोनों अलग अलग जाते हैं। अब वो दोनों को ठीक कैसे कर सकते हैं? तो या तो आपका एटीट्यूड बिहेवियर की तरह हो जाए कि भाई अगर आप खाते हो तो आप दूसरों को बोलो मत कि बुरी बात है। आप बोलो कि हाँ भाई मैं तो खाता हूँ, अब क्या करूँ, आदत है, तू भी खा ले। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रख लो उस चीज को लेकर, अगर आपका बिहेवियर वैसे ही पॉजिटिव है। या फिर अपने बिहेवियर को चेंज कर लो कि अगर आप कहते हो पान मसाला खाना बहुत ही बुरी बात है तो भैया खाओ भी मत ना, खा क्यों रहे हो। अपना बिहेवियर चेंज करो, जिसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए शायद लोगों की हैबिट्स नहीं हटती है। जब दूसरों को कहते हैं कि अल्कोहल पीना बुरी बात है या फिर अल्कोहल कंज्यूम करना बुरी बात है, बट आप खुद तो कंज्यूम कर रहे हो, है ना। अब जब उसको ठीक करते हैं तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। जब आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर दोनों सेम लाइन में चले कि जैसा मैं बोलता हूँ मैं वैसा ही करता हूँ, ठीक है।